人类有你是把娃娃出来的你没出来的事लेकिन चाबी किसके किसके पास होती है एक चाबी मैंने राज और दीपा को लेके रखी है और दूसरी चाबी इन तीनों को भी दिया है मतलब इन सब लोगों में से किसी ने चाबी बाहर के आदमी को दी होगी हो सकता है सर लेकिन मैंने चाबी किसी को नहीं दी है इन लोगों ने किसी को दी हो तो मुझे नहीं पता है बाहर का दरवाजा खुला रहता है बंद रहता है नहीं नहीं हमेशा बंद रहता है सर पूछिए एक काम करो घर की तलाशी मर्डर में बंद मिलता है कि नहीं और एक काम करो घर के सारे चाकू और उनके लिए चीज जब्त कर लो ठीक है साले का राघव
अच्छा एक बात बताइए, इनमें से किसी को कोई शक है आपको या कोई ऐसा जिसका बर्ताव गौरी के साथ आपको अजीब लग रहा हो? शर्म आती है खुद के मुंह से बताते हुए।
con anime. ¿Pero cuándo se va a anime? Leo party, sir. No, que tú, yo soy el que. ¿Qué dice? उसका फोन
फोन स्विच ऑफ हुआ था सर और आज ही ऑन हुआ है। चलिए ऐसा हो सकता है कि पहले उसका मर्डर किया उसके बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया और आज उन तीनों लड़कों को फंसाने के लिए वो फिर से ऑन कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि गौरी का मर्डर इन तीनों में से किसी ने किया और जिस लड़के की बेड के नीचे मोबाइल मिला उसको बाकी दोनों लड़के फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है सर क्योंकि जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था हमने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली थी और उस समय हमें कोई मोबाइल फोन तो नहीं मिला था। लेकिन सर कॉल रिकॉर्ड एक और बात कह रहे हैं, ये देखिए ये गौरी ने आखिरी बार शशांक से बात की थी। शशांक ने तो कहा गौरी के साथ उसने कभी फोन पे बात नहीं की। लेकिन शिरके गौरी शशांक को फोन क्यों करेगी?
अभी बना दरवाजा खोल साहब। मैं कैसे खोलूं? ए सामान देकर ले लो। मैं कैसे खोलूं? क्या ये मास्टर लाइसेंस है? इसके ऊपर लिखा है तू चाबी बनाने का काम करता है। साहब पहले पैसा कमाने के लिए चाबी बनाने का धंधा करता था, अभी नहीं करता हूँ। तो खुद ही रिस्क करके चाबी बनाई थी रात में? जी जी। गौरी को मारने के लिए? नहीं नहीं साहब, गौरी को मैं नहीं मारूँ साहब। चलिए चलिए साहब। नहीं नहीं सब मुझे कुछ बताना है आपको। शशांक हमारे सब्जी के ठेले पर आए थे। अरे क्यों ठेले पे अकेले हो? पापा कहाँ हैं? पापा गांव गए हुए हैं। आपको कुछ चाहिए था? आम चाहिए था पूरा एक पेटी, भिजवा दो। हाँ अरे अभी तो कोई है नहीं, शाम को भेजते हैं। नहीं नहीं शाम को तो मुझे आम लेके गांव जाना है, तुम अभी आ जाओ। हाँ ऊपर का 100 रुपये ले लेना। मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने कुछ नहीं किया तो तेरे घर में खून किसका था?
किसका खून करके भागा था तू? नहीं सर, किसी को मार के नहीं भागा था सर, मैंने ही वो खून वहां डाला था। तो वहां से भाग गया ताकि आप लोगों को लगे कि मेरा ही खून हो गया, आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें। बहुत शातिर खिलाड़ी है तू, लड़कियों के साथ तू रेप करता था ना, तेरे साले के साथ तूने रेप किया उसको पता भी नहीं चला, तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया कसम। ये क्या है, ये कौन है? क्या मिला उससे? मैं तंग आ चुकी थी,
शशांक के लिए बंद कर दीजिए ये सब। मुझे नहीं अच्छा लगता, ये सब घिन आती है मुझे इन सब चीजों से। लेकिन मुझे तुझ पर प्यार आता है ना। अगर मेरे पति को पता चलेगा ना तो उन दोनों को जान से मार देगा। डरता नहीं हूँ मैं तेरे पति से। 2 लाख रुपया लिया उसने मेरे पास से, जिस दिन 2 लाख लौटाएगा ना उस दिन ये सब बंद करूंगा। अभी नखरा बंद कर। मुझे पता था कि वो शशांक गौरी के साथ क्या करता है। उसे नींद की गोली देने के बाद मैंने गौरी को मार दिया। मुझे लगा उसके खून में शशांक फंस जाएगा और मुझे उसे हमेशा के लिए चुपकारा मिल जाएगा। शशांक को उसके दुर्व्यवहार की सजा जरूर मिली, लेकिन अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। ये जो तुमने रास्ता अपना ये गलत था। तुमने एक मासूम लड़की की जान ली, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दीपा ने अपने पति से बात छुपाई कि शशांक उसका शारीरिक शोषण कर रहा है, पर इसीलिए उसने गौरी को अपना मोहरा बनाया। शशांक ने भी ये कबूल किया कि वो रूपा, दीपा, गौरी और जाह्नवी इनका रेप करता था, उसको भी उसकी सजा मिली। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, ये सब होते हुए भी ये लड़कियां चुप थी। उन्हें गुनाह की दस्तक पहचान लेनी चाहिए थी। बच्ची गैरत कैसी है? सर मैंने उसे गावड़े के साथ हॉस्पिटल भेजा है।